वाइन शॉप चालू होते ही पाचपौली पुलिस थाना हद में 500 रुपए को लेकर आरोपी प्रभाकर मेश्राम ने 20 साल के युवक विक्की बागड़े को मौत के घाट उतार दिया। मृतक विक्की बागड़े ने लॉकडाउन चालू होने के पहले आरोपी प्रभाकर सूर्यभान मेश्राम से 500 रुपए उधार लिए थे। आरोपी ने विक्की से कई बार पैसे की मांग की, लेकिन लॉकडाउन में काम पर नहीं जाने के कारण उसने पैसे कुछ दिनों के बाद देता हूँ बोलकर समय टाल रहा था। आखिर 17 तारीख को शाम 7 बजे आरोपी प्रभाकर मेश्राम ने विक्की का पीछा करके रोका और उससे दिए हुए पैसे की मांग कर रहा था। आरोपी उस वक्त दारू पीकर था। आरोपी ने चाकू निकालकर विक्की के सीने पर वार करके फरार हो गया। पाचपौली पुलिस को जानकारी मिलते ही एपीआई गोड़बोले की टीम ने आरोपी को कुछ ही घंटों में धर दबोचा। आरोपी प्रभाकर मेश्राम पर पहले के भी कई गुना दाखिल है। पाचपौली के सिद्धार्थ नगर में मृतक है विक्की बागड़े, वह 20 साल और आरोपी है प्रभाकर मेश्राम 50 साल। प्रभाकर मेश्राम ने विक्की बागड़े को 500 रुपये उधार दिए थे। वो 500 रुपये उधारी के वापस मांगने पर दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़े में प्रभाकर मेश्राम ने अपने पास से चाकू से विक्की बागड़े के छाती पे पीठ के मान के ऊपर में और हाथ पे मार के उसको जख्मी किया। उसको मेवा अस्पताल लेके गए, वापस उसको मृत घोषित किया। जैसे हमको खबर मिली, हम तुरंत घटनास्थल पहुँचे, आरोपी को ताबे में लिया है, आरोपी को अटक किया है। यह घटना से उधारी के 500 रुपये के कारण से घटी है। इसमें आरोपी दारू पी के था और जो मृतक है वो भी गांजा पीने का शौकीन था। इनके ऊपर में पहले मृतक के ऊपर में 2 गुने दाखिल है। 2017 में 324 का गुना दाखिल है और 2020 में हमने उसकी तकरार आई थी तो तलवार के साथ में पकड़ा था, तब 425 का गुना दाखिल किया था। और आरोपी के ऊपर में 2007 में 509 का गुना दाखिल है और 2008 में 204 में 506 का गुना दाखिल है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश सातपुते के साथ रितेश बोरकर, V24 नागपुर।